कमाल संभालते ही निरीक्षण पर निकले कलेक्टर साहब एक्शन मोड में नजर आए नवनियुक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। बच्चों से शिक्षकों के समय पर आने की जानकारी ली। निरीक्षण की जानकारी मिलते ही शिक्षकों में हड़कंप। आगर मालवा जिले के नवनियुक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने कानड़ अंचल का औचक निरीक्षण किया और कई स्कूलों में बच्चों से शिक्षकों के समय पर आने की जानकारी ली, जिसके बाद उन्हें बच्चों से मिला जुला जवाब मिला। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कही। मेजर कुछ शिकायतें रहती हैं कि ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों में जल्दी छुट्टी कर दी जाती है या फिर सुबह समय से विद्यालय नहीं लगते हैं, तो उसको लेके आज कई सारे विद्यालयों में रैंडम जांच कराया जा रहा है। यही चीज़ देखने के लिए यही प्रयास है कि शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, गृह संपर्क करके हम लोग बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और विद्यालय समय से चले। दूसरी ओर कलेक्टर के दौरे की जानकारी लगते ही शिक्षक मुस्तैद हो गए। बताया गया कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं थे वो भी जहां तहां से स्कूल पहुंच गए। आगर मालवा जिले के नवनियुक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आज ग्रामीण अंचलों के शासकीय प्राथमिक विद्यालय, शासकीय विद्यालयों का दौरा किया। ऐसे में उन्होंने वहाँ के विद्यालय के बच्चों से भी वन टू वन चर्चा की। कई जगहों पे उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। जब हमने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि रेंडम के अनुसार हमने जो दौरा किया है, यहाँ कई बार शिकायतें मिलती हैं कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आते, विद्यालय में के बच्चों की छुट्टी जल्दी की जाती, इसको लेकर हम यहाँ रेंडम दौरा था। जो कि इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो भी लापरवाही मुझे दिखी है मैं उनको नोटिस जारी करूँगा और आगे के शिक्षा का अच्छा स्तर आगर मालवा ज़िले में उसका निरंतर प्रयास करूँगा। आगर मालवा के कानड़ में दौरे के दौरान भाजपा नेता भी नगर परिषद की शिकायत को लेकर मिले, जिस पर उन्होंने कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि मैं इस उक्त मामले को देखता हूँ। आगर मालवा से पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।